हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं 9 और 10 मई से, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। बिल्कुल आपको इसमें स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्योंकि आपने देखा सीबीटी 1 में कितना ज़्यादा कंपटीशन था, तो ये तो सीबीटी 2 है। तो इसीलिए आपके जीएस और करंट अफेयर को प्रिपेयर कराने के लिए एक स्पेशल बैच लाया गया है दोस्तों, जिसमें आपको 100% स्कोर कराया जाएगा जीएस सेक्शन में। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। अभी चल रहा है ऑफर 20% का डिस्काउंट, तो अगर आप कूपन कोड में डालते हैं MJT20 तो आपको मिल जाएगा 20% तक का डिस्काउंट। तो जाइए MJT ऐप पर, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इस बैच को परचेज कीजिए। चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, कहीं आप इसे भूल तो नहीं गए। अभी हाल ही में दोस्तों इसरो ने UIDAI के साथ समझौता किया है, या कहें UIDAI ने दोस्तों इसरो से समझौता किया है उसकी सैटेलाइट की हेल्प लेने के लिए। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव ला करके वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटा दिया गया है। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं आज की वीडियो में जानेंगे। चार्ल्स लेक्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 जीती हुई है। गुजरात में अभी हाल ही में 5 दिवसीय माधोपुर घेड़े मेले का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में। होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस नाम पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सर्वानंद सोनोवाल जी ने उद्घाटन किया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस बार की थीम भी होम्योपैथी दिवस की यही है, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, याद रखना है आपको। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया, और कल की वीडियो में मैंने इससे मिलता जुलता बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। पिनाका MK1 नामक रॉकेट सिस्टम का अभी हाल ही में DRDO ने परीक्षण किया है। और अभी थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 10 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड शामिल हैं। भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करी हुई है। तो ये तो थे कल के टॉप 10 क्वेश्चंस जिनका आपने रिवीजन किया। 2 क्वेश्चंस मेरा आपसे था, जिसमें पहला था 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो AS दुलत को दिया गया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में। ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल के साथ आंसर किया करो, मज़ा आएगा। अगर आप डिटेल में आंसर लिखोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको कैसे सोचना है, कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। कम से कम 3 पॉइंट जरूर लिखा करो हर एक क्वेश्चन से। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 अप्रैल को, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 अप्रैल को ही 1961 में पहली बार अंतरिक्ष में गया था मानव। क्या नाम था? यूरी गागरिन। नाम याद रखिएगा, यूरी गागरिन थे ये जो गए हुए थे, ठीक है। कहाँ के थे? सोवियत यूनियन के। तब सोवियत यूनियन हुआ करता था, अब तो दोस्तों अलग अलग टूट गया है, तब सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, तो ये सोवियत संघ के ही थे। 12 अप्रैल 1961 को गए हुए थे, तो उसी दिन के जब 50 वर्ष पूरे हुए 2011 में, अब आप जोड़ोगे 1961 से 2011, तो 50 वर्ष जब पूरे हुए तब फिर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने घोषणा की कि अब से इसके लिए हम लोग एक दिवस मनाएंगे, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 50 वर्ष पूरे होने पर 65वीं सभा द्वारा ये घोषित किया गया। हालांकि सोवियत संघ में, या कहें सोवियत यूनियन में, और अब तो सोवियत यूनियन रहा नहीं, वो तो टूट गया है, तो अभी कहें रसिया में इंटरनेशनल डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स के नाम से ये मनाया जाता है दिवस। अच्छा, एक पॉइंट और, ये जो यूरी गागरिन है ना, अभी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फिर अमेरिका और ब्रिटेन और कई देशों ने ये भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अब हम नहीं मानेंगे कि यूरी गागरिन ही पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, हम इनके डाटा को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि विरोध करने की हद पार कर दिए थे ये लोग।
रसिया के खिलाफ, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो ये दिवस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें बड़े राज्यों में है गुजरात टॉप पर, और छोटे राज्यों में अगर बात किया जाए तो गोवा है टॉप पर। देखिए जब भी नीति आयोग ये जारी करता है अपना सूचकांक ना, तो तीन प्रकार से जारी करता है। एक तो बड़े जो राज्य हैं उनमें जारी करता है लिस्ट, दूसरा छोटे राज्यों में, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों में। कारण क्या है? कारण यह है कि देखो अगर कोई भी इंडेक्स अगर रैंकिंग जारी किया जाता है तो जो बड़े राज्य बोले तो बड़ा पॉपुलेशन वाले का डाटा कुछ और होगा। ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंट्रोल करने में और भी चीज़ों में कम एफर्ट लग पाएगा, हर नागरिक को कम चीज़ें पहुँच पाएंगी, थोड़ा देर से पहुँच पाएंगी। छोटा राज्य जो होता है उसमें जैसे वैक्सीनेशन हुआ या कोई भी योजना हुई, कोई भी सुविधा हुई, तुरंत पहुंचाई जा सकती है 1-to-1 तक, तो छोटे राज्यों की अलग लिस्ट निकलती है। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश है, अब वहाँ पर केंद्र शासित में केंद्र का शासन होता है तो इस वजह से वहाँ के लिए भी अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन प्रकार से जारी किया जाता है। अभी गुजरात टॉप पर आया हुआ है नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर है दोस्तों केरल, थर्ड पर है पंजाब। ये टॉप थ्री बड़े राज्य हैं। और अगर हम लोग बात करें छोटे राज्यों में तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीन टॉप थ्री छोटे राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप थ्री पर है चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव। क्लियर। नीति आयोग के बारे में अगर बात करेंगे तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, एक नया आयोग गठित किया गया। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसके अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार, पहले उपाध्यक्ष थे कौन? अरविंद पनगड़िया जी। सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत, पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। क्लियर है। अगला है, मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला दोस्तों बाबर आजम को, इनको मेंस क्रिकेटर के रूप में कैटेगरी में मिला, और राचेल हेंस को, इनको वेमेंस की कैटेगरी में मिला। तो वेमेंस की कैटेगरी में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों राचेल हेंस और बाबर आजम मेंस। अच्छा, बाबर आजम आपको याद होगा दोस्तों एक बार और पाए भी हुए थे, पिछली बार भी ये पाए हुए थे, ठीक है ना, पिछले साल भी। तो बाबर आजम दो बार ये अवार्ड पाने वाले, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अब ऐसा नहीं है कि दो बार यही पाए हैं ताकि नहीं कोई पाएगा, क्योंकि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हर महीने दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अब तो रिपीट होना शुरू हो ही जाएगा। पिछली बार तो आईसीसी ने पूरा कोशिश किया कि रिपीट ना होने पाए कोई, इस बार देखिए बाबर आजम पाए हुए हैं। ये पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन हैं, और यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज राचेल हेंस, तो इनको मिला है वेमेंस की कैटेगरी में। अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, न्यूजीलैंड में जो आयोजित हुआ था, इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीत लिया है ओडीआई वर्ल्ड कप महिलाओं वाला, ठीक है, तो उसके लिए उसमें भी इनका अच्छा प्रदर्शन था। तो फिलहाल बाबर आजम इस बार मेंस कैटेगरी में और राचेल हेंस वेमेंस कैटेगरी में पाए हुए हैं। क्लियर है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार 2021 जनवरी से दिया जा रहा है, और पहले विजेता ऋषभ पंत थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में अगर बात करेंगे, 1909 में स्थापित हुआ था, दुबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकले, सीईओ का नाम आपको याद रखना है, नए बने हुए हैं जोफ एलार्डेस। कौन है? जोफ एलार्डेस। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 23वें नंबर के ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए यहाँ पर ये इमेज में दिख रहे हैं, अब इनका चेहरा पहचान लीजिए। इमरान खान तो आपने बहुत देखा, इमरान खान अब हट गए हैं, अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिए गए, ठीक है, वो 22वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। ये शहबाज शरीफ अब होंगे 23वें नंबर के प्रधानमंत्री। तो इनको अभी निर्विरोध चुना गया है। अभी दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर यहाँ पर इनके लिए चुनाव हुआ, वहाँ पर जो कि निचला सदन है जिसे कहते हैं नेशनल असेंबली, जैसे अपने यहाँ क्या है लोकसभा है, वैसे वहाँ पर नेशनल असेंबली है। तो नेशनल असेंबली में अभी जब वोटिंग हुई तो 174 वोट इनको इनके पक्ष में मिले। जीतने के लिए कितना चाहिए था? 342 में 172 चाहिए था बहुमत के लिए, बहुमत खो दिया था इमरान खान ने, अभी 174 इनको मिल गया तो ये बहुमत में है, तो ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद या कहीं जब से पाकिस्तान बना है कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है।
दो राष्ट्रपति को फांसी भी सुनाई जा चुकी है। ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं पाकिस्तान से। ठीक है, फिलहाल पार्टियों का नाम पूछा जा सकता है। तो इमरान खान की पार्टी का नाम है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इमरान खान तो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। यहाँ पर आप शहबाज शरीफ कर लीजिए। ठीक है, शहबाज शरीफ होंगे, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं। वहाँ के स्पीकर ने गलती से जब शपथ दिला रहे थे वो, तो फिर अनाउंस कर रहे थे तो नवाज शरीफ का नाम ले लिए थे। अजब अजब चीज़ें हो जाती है वहाँ पर। हाल ही में किस एजेंसी ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया? हेलिना का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। अभी हाल ही में DRDO ने दोस्तों हेलिना नाम की एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब ये हेलिना जो है ये क्या होती है इसको समझो, ये एक प्रकार की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। ठीक है ना, तो अभी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और DRDO इन तीनों ने मिलकर के, एक इनकी वैज्ञानिकों की टीम थी, उन्होंने मिलकर के हेलीकॉप्टर से इसका एक परीक्षण किया हुआ है। ये टेस्टिंग एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से किया गया था, यानी कि बहुत ही हल्का ही हेलीकॉप्टर था, उससे इसे दागा गया था। ठीक है ना, पोखरण राजस्थान में एक नकली तोप थी, उस नकली तोप को टारगेट बना करके वहाँ पर ये लोग किए, क्योंकि एंटी टैंक है, एंटी टैंक यानी कि टैंक को तबाह करने के लिए। दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है हेलिना। याद रखिएगा, 7 किलोमीटर की ही मारक क्षमता होती है लेकिन जबरदस्त होती है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 को स्थापित हुआ, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जी सतीश रेड्डी जी इसके हैं अध्यक्ष। अगला, हाल ही में UPSC के अध्यक्ष कौन बने? तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका नहीं है। UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी प्रदीप कुमार जोशी जी की जगह पर आए हैं और ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति हैं। तो इनको अभी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, मनोज सोनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों इसको जीता है इंडस इंड बैंक ने। इंडस इंड बैंक ने इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप के लिए अपने ये अवार्ड जीता हुआ है। देखिए, इंडस इंड बैंक के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था और इस एप्लीकेशन ने जो परफॉर्मेंस दी है उस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस अवार्ड को इसको दिया गया है। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप जो इसने लॉन्च किया था उसी के लिए मिला हुआ है। किसके द्वारा? डिजिटल बैंकर के द्वारा ये दिया जाता है। डिजिटल बैंकर जो है दोस्तों ये एक वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली ये प्रोवाइड करता है और इसने ये अवार्ड दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था 2021 में नवंबर में। ये मर्चेंट्स, खुदरा विक्रेता जो होते हैं, रिटेलर्स और इसके बाद जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको दोस्तों उनकी सुविधाओं को सक्षम बनाने के लिए एप्लीकेशन है। इंडस इंड बैंक की बात करेंगे तो 1995 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सुमंत कथपालिया इसके CEO है। अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में 1064 या कहें 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड के CM ने। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे कोई भी नागरिक, कोई भी आम व्यक्ति भ्रष्टाचार का विरोध कर सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है इस ऐप के माध्यम से। तो 1064 डायल भी कर सकता है और या फिर इस ऐप को इंस्टॉल करके उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया है। पुष्कर सिंह धामी अभी आपको याद होगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दोबारा से CM बन करके आए, आते ही इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा भी कर दी कि ये लागू करेंगे, एक समिति भी, एक कमेटी भी गठित कर दी इसके लिए। क्लियर, उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर देख लो, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कब? सन 2000 में 9 नवंबर को अलग हुआ था। और आगे चल करके, हालांकि तब अलग हुआ था तो उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था, आगे चल करके 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया। विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण बनाई गई है। पुष्कर सिंह धामी BJP पार्टी से CM है, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, संजय कुमार मिश्रा जी चीफ जस्टिस हैं। जो भी ताल से रिलेटेड झीलें हैं यहाँ पर हैं,
तीन ताल को छोड़ करके सूरज ताल, चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश में है और भोज ताल जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है, बाकी सभी ताल यहाँ पर है। भीम ताल, नैनीताल, नैनी झील, सप्त ताल, ठीक है, सप्तऋषि, सात ताल, माता ताल, सभी यहाँ पर है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, अब आगे अगला नाम, नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये, यहीं पर है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये सभी यहाँ पर हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को दोस्तों यूरोपियन जीआई टैग दिया गया। यहां पर यूरोपियन कर लेंगे तो ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, यूरोपीय जीआई टैग। अब आप सोचोगे ये यूरोपीय जीआई टैग क्या होता है, अभी तक आपने जीआई टैग सुना था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये कांगड़ा चाय सुनो, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय की खेती होती है, तो इसको जीआई टैग इंडिया में तो बहुत पहले ही मिल चुका था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो इंडिया में तो प्रचार प्रसार ब्रांडिंग इसकी की ही जा रही है, लेकिन अभी यूरोपीय जीआई टैग मिला है जिससे ये यूरोपीय देशों में अच्छे से प्रमोट किया जा सकेगा, ठीक है, वहां पर बिकने में इसको आसानी हो सकेगी। भारत में तो 2005 में ही से जीआई टैग मिल गया था कांगड़ा चाय को, ठीक है, तो 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती की जा रही है, लगातार इसमें सुधार आ रहा है, तो अभी यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है, यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौली, जुराबो और दस्तानों को अभी कुछ दिन पहले जीआई टैग मिला था। जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी जब एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से कोई पूरा का पूरा एरिया पहचाने जाने लगता है, वो पूरा का पूरा जियोग्राफिक एरिया पहचाना जाने लगता है, तो फिर सरकारें क्या करती हैं कि उसकी ब्रांडिंग करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं, साथ ही साथ उसकी कालाबाजारी को, ब्लैक मार्केटिंग को कम करने का प्रयास करती हैं, जिससे उसके वहाँ के नाम का कोई दूसरा ना बेच पाए, जो कोई ऐसा ना कर पाए जैसे बनारसी साड़ी होती है तो बनारसी साड़ी बोल करके कोई कहीं और पर बेच रहा हो, ठीक है, लोकल बेच रहा हो, तो ये चीज़ें ना हो पाए। साथ ही साथ रेट फिक्स कर दिया जाए, रेट में स्टैंडर्डाइजेशन ला दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा दाम में करके ना बेचने लगे, ठीक है ना, तो ये सब करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो ओवरऑल सबसे मेन मुद्दा ये होता है उसको प्रमोट करना, ग्लोबली प्रमोट करना, जिससे वहाँ के जो किसान होते हैं, जो उसको बनाते हैं, निर्माता होते हैं, उनको फ़ायदा मिल सके, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। 1999 में ये बिल पारित हुआ था, 2003 में जाकर के एक्ट बना, 2004 में सबसे पहले मिला दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश देख लो आप, हिमाचल प्रदेश देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है, धर्मशाला विंटर कैपिटल, समर कैपिटल शिमला, जयराम ठाकुर यहाँ के CM हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ये यहाँ के गवर्नर हैं, मोहम्मद रफीक यहाँ के हैं जस्टिस। अगला, विकास श्री पंत 1111 योजना किसने शुरू की, किस बैंक ने? तो अभी हाल ही में कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने विकास श्री संपत 1111 विकास योजना शुरू की है। ये योजना क्या है समझिए इसको, विकास श्री संपत योजना के तहत दोस्तों एक खास प्रकार के इंटरेस्ट पर लोन दिए जाएंगे। अब ये इंटरेस्ट रेट दिया गया है और किसको दिया जाना है ये भी लिखा गया है, आप पढ़ पाओ तो पढ़ लो, वैसे मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए 5.7% वाला जो है ना ये आम जनता को मिलेगा 1111 डेज के लिए, यानी 1111 दिन के लिए अगर आप पैसा जमा करते हो इस योजना के तहत तो आपको 5.7% पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा है इस टाइम पर अगर बात करेंगे तो। FD भी आप अगर देखोगे ना तो फिर FD तो 5.00 या कई कई बैंकों में 4.7% तक की आ गई है फिक्स डिपॉजिट की रेट, ठीक है, आम पब्लिक के लिए। तो FD की जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार कम होती जा रही थी, एक प्रकार से एक टाइम पर था तो 8% मिला करता था, अब ऐसी स्थिति आ गई तो ऐसे में 5.7% बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आम नागरिकों के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.2% इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अगर आप इसके तहत जमा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 10,000 रुपये मिनिमम से 2 करोड़ रुपये मैक्सिमम तक ही जमा कर सकते हो। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में बात करेंगे, 2005 में स्थापित हुआ था, धारवाड़ कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है जहां पर इसे लॉन्च किया गया है अभी, और अध्यक्ष है पी गोपी कृष्णा। क्लियर, अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देश में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, ये कौन सा देश है? वीडियो अगर ध्यान से देखे होगे जरूर आंसर करोगे। किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, अभी आपको जाना नहीं है, अभी हम लोग राज्यवार करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। कल की वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश UP के करंट अफेयर को रिवाइज किया था,
आज की वीडियो में, क्योंकि यूपी बहुत ज्यादा है तो आज की वीडियो में भी यूपी का ही करंट अफेयर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसका पार्ट टू समझ लो, यूपी लेवल की जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए तो रामबाण है, उनके लिए तो रामबाण है। लेकिन जो लोग वैसे भी नेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाएगा जरूर। तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल पर नया है हो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही एक एक राज्य करके रोज आपका रिविजन कराया जाएगा। तो चलिए उत्तर प्रदेश विशेष में आज देखते हैं। अभी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई, ठीक है, 25 दिसंबर को शुरू किया गया था। 25 दिसंबर को क्यों जी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसे शुरू किया था, उत्तर प्रदेश के सीएम। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य ये बनकर के उभरा। 11वीं राष्ट्रीय हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप का विजेता भी रहा उत्तर प्रदेश। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का इकलौता राज्य है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 3 दोस्तों क्या है, 3 है एक्सप्रेस वे, 3 एक्सप्रेस वे वाला 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीनों एक्सप्रेस वे का नाम जानो, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम याद करो क्या क्या है। देखो आप याद करेंगे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, इसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में, इसके बाद आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में याद रखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या याद रखेंगे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखेंगे कुशीनगर में। 3 एक्सप्रेस वे कौन कौन सा? तो 3 एक्सप्रेस वे दोस्तों, एक तो आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, एक तो है अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर क्यों आया, और एक गंगा एक्सप्रेस वे जिस पर अभी काम चल रहा है ये है। तो 3 एक्सप्रेस वे वाला और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश। बलरामपुर में अभी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया। बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में ऐड किया गया है, ठीक है। हालांकि रामसर साइट में अभी मैंने आपको बताया था बकीरा नेशनल पार्क को, उसको भी ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो 10 नेशनल पार्क 10 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना ओवरऑल। अभी आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी मिली हुई है। गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, और वहीं 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस स्टेट के लिए गोल्डन ट्रॉफी जीती हुई है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया, लाइक कर दो जल्दी से लाइक नहीं किए हो तो। और हाँ, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर खास तौर से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप और पूछना है सर इसमें क्या क्या मिलेगा, कब तक कोर्स खत्म होगा, कब हम कब तक एक्सेस कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, स्कोर अपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, कितने दिन बचे हैं तो अब कैसे प्रिपरेशन करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल सके, सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। MJT करंट अफेयर ऐप का ऐप डाउनलोड करना है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, वहाँ पर कोर्स सेक्शन में जाकर के आपको NTPC CBT 2 सिलेक्ट करना है, जाकर के बैच को परचेज कर लेना है, और फिर इसके बाद फिर आपको तैयारी शुरू कर देनी है। समय बहुत कम बचा है, यही आखिरी लड़ाई है, इस आखिरी लड़ाई को अगर आप जीत लिए जिंदगी हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। अगर आप करंट अफेयर मंथली या फिर 3 मंथ की लेना चाहते हो तो ये भी आप ले सकते हो, यकीन मानो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ये बुक, आप जाकर के इसे ले सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, एक बार जरूर देखिए ई बुक लेकर के हमारी, ठीक है। उसके बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 95% स्टूडेंट रिपीटिव होते हैं, हर महीने आकर के लेते हैं, आप भी जाइए एक बार लीजिए देखिए इसका मजा, ठीक है। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।